हेलो फ्रेंड, माय नेम इज करुण भेल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए यूजर विदाउट यूजर एड कमांड। तो नॉर्मली जो भी हम यूजर क्रिएट करते हैं आरएचए लेट में, वो यूजर एड कमांड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट यूजर एड कमांड के भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं अपने लिनक्स मशीन में। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है होम फोल्डर के अंदर, जिस नेम से आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको mkdir की हेल्प से एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। जैसे मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ अमित, तो आप क्या करेंगे, mkdir होम के अंदर अमित यूजर क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जब आप यूजर क्रिएट कर लिया है तो आपको सेम नेम से एक करनी होती है ETC PassWD फाइल के अंदर, क्योंकि जो भी यूजर हम क्रिएट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ETC PassWD के अंदर। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं ETC, सॉरी सिंगल फॉरवर्ड स्लैश आएगा PassWD। ओके, एट द एंड ऑफ द फाइल आपको एक एंट्री करनी है। देखिए मैंने करुण यूजर क्रिएट कर रखा है, सेम लाइक दैट आपको एक अमित यूजर की एंट्री क्रिएट करनी होगी इसमें, एक्स। और आप यहाँ पर जो भी आपको यूआईडी मेंशन करनी है वो यूआईडी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं 002 दे रहा हूँ। और सेम जीआईडी भी आपको मेंशन करनी है जो आप यूआईडी मेंशन कर रहे हैं। और जी को आप ब्लैंक रखते हैं। होम के अंदर हमने अमित डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, देन उसके बाद हम शेयर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये लाइन ऐड करनी है ETC PassWD फाइल के अंदर, और देन फाइल को सेव कर देंगे। और आपको जैसे पता है कि जैसे ही आप यूजर एड कमांड फायर करते हैं तो सेम एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, तो आपको ग्रुप फाइल के अंदर भी एक एंट्री करनी होगी। तो मैं ग्रुप फाइल ओपन कर लेता हूँ, और एट द एंड ऑफ द फाइल आपको एक एंट्री मेंशन करनी है। आई प्रेस कर लेंगे ताकि इंसर्ट मोड मेरा ओपन हो जाए। यहाँ पर हम लिख देंगे कोलन एक्स कोलन, और जो जीआईडी आपने ETC PassWD में मेंशन करी थी वही जीआईडी आप ग्रुप फाइल में मेंशन करेंगे। ओके, देन अब आपको जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट करी थी होम फोल्डर के अंदर अमित, आप उसके ऊपर उसका ओनरशिप और ग्रुपशिप चेंज करेंगे, क्योंकि आप रूट यूजर से ही ये डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो उसका ओनर और ग्रुप दोनों ही रूट यूजर रहते हैं। बट अगर आप दोनों पे रूट यूजर ओनरशिप और ग्रुपशिप देंगे तो जब अमित अपने यूजर पे लॉगिन करेगा तो वो कोई भी डायरेक्टरी या फाइल नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास रूट में एक्सेस नहीं है। तो आप उसका ओनरशिप चेंज कर दीजिए और ग्रुपशिप चेंज कर दीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी हमारा यूजर है अमित कोलन अमित, जो फर्स्ट है वो आपके ओनरशिप के लिए होता है, और जो कोलन के बाद जो हमने मेंशन किया है वो ग्रुप के लिए मेंशन करते हैं हम लोग। और फोल्डर का नेम दे देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपका ओनरशिप भी चेंज हो चुका है और ग्रुपशिप भी चेंज हो चुका है इस फोल्डर का। देन इसके बाद आप जब भी यूजर एड क्रिएट करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं वो ETC स्केल फाइल के अंदर अवेलेबल रहती हैं। तो ETC स्केल फाइल के अंदर जो भी डिफॉल्ट फाइल हैं वो हम इस फोल्डर के अंदर कॉपी करेंगे, और वो कॉपी कैसे करेंगे हम लोग, cp-v ETC स्केल, देन हिडन फाइल हमें कॉपी करनी है। तो डॉट स्टार मतलब जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो सारी मेरी कॉपी हो जाए कहाँ, होम के अंदर अमित फोल्डर के अंदर। क्लियर, तो उसने सारी फाइलों को कॉपी कर दिया है। तो इस तरह से आपका एक यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब आप इसके ऊपर एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। ठीक है, डू नॉट मैच, सॉरी कुछ गलती होगी होगी, अमित अमित
ठीक है। तो अभी हम इसको स्विच चूजर करके देखते हैं। तो देखिए आपने सक्सेसफुली यूजर क्रिएट कर लिया और हम उस यूजर में लॉगिन भी हो चुके हैं। अब आप कोई भी इसके अंदर फाइल्स या फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो इजिली क्रिएट कर पाएगा अमित यूजर। देखिए एलएस करता हूँ तो करुण नेम से उसने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो आपने देखा कि कैसे आपने विदाउट यूजर एट कमांड के भी आपने एक यूजर क्रिएट कर लिया है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग RHEL 8 को इजिली सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।